नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में आपके आगे हीरो सुपर स्प्लेंडर का नया कैनवास ब्लैक कलर, जिस पर आप देख सकते हैं कोई भी ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या नया दे रखा है, और अगर आप ये 2022 में सुपर स्प्लेंडर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए कैसे होने वाली है, यही सारी की सारी मैं आपसे बातें करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और ये पर्टिकुलर सुपर स्प्लेंडर के बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ विहान मोटर्स मुजफ्फरनगर पर, और ये विहान मोटर्स वाले मुजफ्फरनगर में आपको काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से और आप ये हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल खरीदने की सोचते हैं तो फिर आप इनके पास विजिट कर सकते हैं। इनकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी वो आपकी डिस्प्ले पर भी आ जाएगी और मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक्स के बारे में। तो दोस्तों, डिज़ाइन के मामले में वैसे तो कोई भी आपको टेक्निकली या फिर मैकेनिकली चेंज करके नहीं दिया गया, और जो भी चेंज आपको करके दे रखा है वो दे रखा है इसके लुक्स और जो कलर की थीम है उसके मामले में। अगर आप पूरी मोटरसाइकिल को देखोगे, आप ये व्हील से लेकर के मड गार्ड की बात करो, वाइजर की बात करो, आप फ्यूल टैंक की बात करो, या साइड पैनल्स की बात करो, या पीछे तक किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, आप ये इंजन इसका देख लो, पूरी की पूरी मोटरसाइकिल ही आपको ब्लैक थीम में दे रखी है और कोई भी आपको ऐसे ग्राफिक्स नहीं दे रखे हैं। और जैसे कि ये सुपर स्प्लेंडर की बैजिंग हो गई, ये आपको 3D वाली क्रोम वाली दे दी, लेकिन इसके अलावा इस मोटरसाइकिल पर कहीं पर भी कोई भी आपको ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं दे रखे। इधर बस आपको ये I3S की बैजिंग दे दी, और इधर ये प्रोग्राम्ड FI, और पीछे आपको क्रोम वाला हीरो का लोगो दे दिया। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल पर कहीं पर भी आपको कोई भी ग्राफिक्स या स्टिकर्स नहीं दे रखे। और देखने के मामले में देखो, मुझे तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी लग रही है और देखने में एकदम प्रीमियम सी लगती है। और लाइट्स वगैरह के मामले में इसमें अभी भी आपको सारी की सारी लाइट हैलोजन बल्ब में ही दे रखी है। मैं आपको ये फ्रंट वाली ग्लो करके दिखाऊँ, ये आपको हैलोजन में दे रखी है, जिसके इंडिकेटर्स है ये आपको हैलोजन में दे रखे हैं। और अगर आप रियर में बात करते हैं तो रियर में जो आपका टेल लैंप है ये भी आपको हैलोजन बल्ब वाला ही दे रखा है। बाकी दोस्तों, बात करते हैं इसके व्हील्स और सस्पेंशन और ब्रेक्स के मामले में। तो दोस्तों, इसमें आपके दो वेरिएंट आते हैं, कैनवास ब्लैक में भी एक आपका ये ड्रम ब्रेक वाला आता है, और दूसरा इसमें आपके पास डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है। टायर सेक्शन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, इसके फ्रंट में आपको 80x100 सेक्शन का 18 इंच का टायर दे रखा है, और ये C8 के टायर्स हैं। और जो सस्पेंशन हैं उनमें कोई भी ऐसा चेंज है नहीं, ये ऐसे ही हैं जैसे कि पहले भी आते रहे हैं, टेलीस्कोपिक दे रखे हैं। और रियर में आपको सिंपल वाले जो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वही आपको दे रखे हैं। और रियर में जो टायर आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको ये 90x90 सेक्शन का 18 इंचेस का आपको रियर में टायर दे रखा है। और अभी फीचर्स और कंट्रोल्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टैंड के बारे में कि ये कट ऑफ वाला है या फिर नहीं है, यानी कि इसके लगे होने पर मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है या फिर नहीं। तो फिलहाल मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है, और जैसे ही मैं इसको न्यूट्रन करता हूँ तो फिलहाल मैंने मोटरसाइकिल न्यूट्रन कर दिया। आप देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं गियर लगाता हूँ और ये मैंने लगाया गियर तो ये बंद हो गई, तो यानी कि इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दे रखा है। और अगर आप ये स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करोगे तो आपको पास स्विच दे रखा है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर स्विच हो गया, नीचे आपका हॉर्न स्विच हो गया, और हॉर्न भी एक बार सुन लेते हैं, काफ़ी बेसिक सा दे रखा है। और जो राइट हैंडल है इधर आपका I3S वाला बटन हो गया, उसके नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके जो बटन्स की ये माउंटिंग है, अगर आप इनकी क्वालिटी देखोगे और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आप देखेंगे कि फिट एंड फिनिश कहीं ना कहीं और बेहतर हो सकती थी, और ये जो बटन्स है इनकी क्वालिटी भी और थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बाकी जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको बड़ा सा स्पीडोमीटर दे रखा है एनालॉग में, और आपको एक डिस्प्ले दे रखी है ठीक ठाक साइज़ की, जिसमें आप सबसे पहले तो देखेंगे कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन आपको दे रखा है, कि रियल टाइम आपकी मोटरसाइकिल क्या माइलेज आपको दे रही है वो आप देख सकते हैं। और उसके नीचे बड़ा सा फ्यूल गेज हो गया, और उसके नीचे इसमें आपको डिटेल ग्लॉक भी दे रखी है। बाकी अगर आप ये S वाला बटन दबाते हैं तो आपका ऑडोमीटर आ जाता है, ऑडोमीटर के बाद आपकी ट्रिप आ जाती है, और फिर से एवरेज फ्यूल कंजप्शन आ जाता है, यानी कि इसमें आपको एक ही ट्रिप मीटर दे रखा है। और जो आपकी लेफ्ट साइड है उधर आपका ये स्टैंड का इंडिकेटर हो गया, और आपके इंडिकेटर्स ग्लो कर रहे हो वो हो गया, हीरो का लोगो हो गया, और ये लो फ्यूल वाला इंडिकेटर हो गया, ये सब आपको इसमें दे रखा है। तो दोस्तों देखो, जो भी स्पेसिफिकेशंस थी बताने वाली या जो भी डिज़ाइन वगैरह दिखाने वाला था वो तो सब मैंने आपको दिखाई दिया। अब थोड़ा सा इसको चलाते चलाते भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वगैरह में कैसी है और मेरा इस पर क्या विचार है, वो सब बातें भी कर लेते हैं। और जैसे कि जो भी महान यूट्यूबर्स होते हैं वो चाबी ज़रूर दिखाते हैं मोटरसाइकिल की, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो चाबी है वो काफ़ी सिंपल सी है और सिंपली लग जाती है। और अब चलते हैं इस मोटरसाइकिल को लेकर के। कोई भी किल स्विच तो आपको दे नहीं रखा है, तो बस आपको स्टैंड हटाना है, मोटरसाइकिल न्यूट्रन रखनी है और स्टार्ट सिंपली। ऑलराइट, सो मोटरसाइकिल स्टार्ट है, और सबसे पहले क्लच की ही बात करते हैं। तो जो क्लच है वो आपका काफ़ी सॉफ्ट है, क्लच में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप एक फिंगर से अपने क्लच को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी गियर में डालते हैं, और पहले थोड़ा सा इंस्टेंट एक्सेलेरेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी ये उठती है। तो
दोस्तों जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन है वो तो आपको अच्छा ही लगने वाला है। इंस्टेंट एक्सेलरेशन में मुझे कोई ज़्यादा खास एकदम से पावरफुल भी ये मोटरसाइकिल नहीं लग रही है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कहीं ना कहीं इसमें मुझे लैग लग रहा हो। और जो लैग मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा गियर शिफ्ट में, क्योंकि जो ये हीरो के गियर बॉक्स है ये आपको थोड़े से जर्की लगते हैं। इनमें जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो क्लच से तो आपको कोई भी इशू नहीं आता है, लेकिन जो गियर्स होते हैं वो लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं गियर अटक अटक करके जा रहे हैं, और आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स गियर चेंज करने में लगाने पड़ते हैं। बाकी इसके अलावा जो इसका ये नया BS6 इंजन है उसमें कोई भी BS4 वाली इंजन वाली बात नहीं है। और कार्बोरेटर से जब ये इंजेक्टर पर गया है तो कहीं ना कहीं ये चलाने में थोड़ा सा इसका मज़ा कम ही हुआ है। और अगर वाइब्रेशंस की बात करोगे तो अभी से मोटरसाइकिल में ऐसी कोई वाइब्रेशंस है नहीं, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ट्रैफिक करता है मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेकर के जाता हूँ तो तब आपको वाइब्रेशंस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी इनिशियली काफ़ी मोटरसाइकिल इंजन की साइड से स्मूथ ही लग रही है, बस एक जो गियर्स की शिफ्टिंग है वो मैंने आपको बता दी कि भाई ये हीरो का गियर बॉक्स है, थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मोटरसाइकिल काफ़ी आराम से उठ रही है फिलहाल तो, और जैसे ही आप थोड़े से हायर RPM के आसपास जाते हैं, जैसे ही मोटरसाइकिल थोड़ी स्पीड में जाती है तो वाइब्रेशंस भी आने लगती है, और वाइब्रेशंस के साथ साथ इसमें साउंड भी काफ़ी बन जाती है। जैसे कि फिलहाल मोटरसाइकिल थोड़ी स्पीड में है तो फिलहाल मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस हो रही है, मैं बिल्कुल अपने हाथों में वाइब्रेशंस फील कर सकता हूँ, और शूज़ पहने होने के बाद भी फुटरेस्ट तक वाइब्रेशन जा रही है। और फिलहाल मेरी कोई ज़्यादा भी स्पीड नहीं है, लगभग 50-60 के आसपास मैं चल रहा हूँगा, लेकिन इतनी स्पीड पर भी वाइब्रेशंस वगैरह है। बाकी अगर आप हैंडलिंग स्टेबिलिटी की बात करोगे तो फिलहाल तो हैंडलिंग में मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है, काफ़ी आराम से मैं इसको हैंडल ही कर रहा हूँ। और थोड़ा सा और स्पीड में मैं जाऊँगा तब भी देखेंगे कि कैसी ये हैंडल होती है, और अभी लो स्पीड पर तो काफ़ी आराम से चली रही है। अभी मैं थोड़ा सा इसको डाउन शिफ्ट करके थोड़ा सा भाग करके देखता हूँ, और मिरर्स की विजिबिलिटी के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मिरर्स की विजिबिलिटी है उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पीछे का काफी आराम से दिख रहा है, और फिलहाल मोटरसाइकिल थोड़ी सी स्पीड में है। तो दोस्तों देखो, अभी तक मैंने मोटरसाइकिल को थोड़ा सा स्पीड में चला करके भी देख लिया, और स्पीड में चलाने का मेरा फीडबैक यही है कि जो इसका इंजन का करेक्टर है वो थोड़ा सा इसको अलाउ नहीं करता है कि आप इसको 60 से ऊपर लेकर के जाएं, क्योंकि 60 से ऊपर अगर आप इसको लेकर के जाते हो तो पहली चीज़ तो इंजन में काफ़ी नॉइज़ बन जाती है और वाइब्रेशंस भी आने लगती है, और आपको चलाने में कोई भी ऐसा मज़ा नहीं आएगा अगर आप इसको 60 से ऊपर चलाओगे। और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में देखो, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप इसको आराम से ट्रैफिक में ले रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ले रहे हैं, आपकी हाइट भी थोड़ी कम है, तो आप इसको काफ़ी आराम से हैंडल कर लेंगे। और जो इसका कर्व वेट होगा वो भी मैं आपकी डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा, लगभग 120 किलो के आसपास का इसका कर्व वेट होगा। और स्टेबिलिटी के मामले में देखो, ऐसा है कि अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में चला रहे हो तब तो आप इसको 85-90 तक भी लेकर के जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 से ऊपर की स्पीड पर आपके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बचता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एकदम से कट मारे, थोड़ा जिगजैग वे में चलाए, तो वो आपके पास कॉन्फिडेंस बचता नहीं है कि आप वो काम इसमें 60 से ऊपर की स्पीड पर कर सके। बाकी अगर आप ब्रेक्स की बात करोगे तो ब्रेक्स ठीक है, जैसे ड्रम ब्रेक ही है जो मेरे पास मोटरसाइकिल है, इसमें तो ड्रम ब्रेक ही है, तो बस वही है, आपको थोड़ा प्लानिंग से ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। बाकी इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन दे रखा है, और जो कि डिस्क ब्रेक वाले के ब्रेक्स थोड़े से बेटर ही रहेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा खराब रास्ते पर आ गया हूं, जिससे इसके सस्पेंशन को थोड़ा सा टेस्ट कर सकूं, क्योंकि जितना भी मैंने इसको रोड पर चलाया वहां पर तो मुझे सस्पेंशन में कोई भी इसकी दिक्कत नहीं लगी है। काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, और मेरी हाइट 6 फीट है, लेकिन मुझे चलाने में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी आराम से मैं इस मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ हूँ, सीट पर प्रॉपर स्पेस है, और हम दो लोग बैठ करके चल रहे हैं, और स्पेस के मामले में मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत आनी नहीं है। सीट पर स्पेस भी काफ़ी है, मोटरसाइकिल कंफर्टेबल भी है, और अभी सामने गड्ढा है तो थोड़ा सा डाल करके देखते हैं गड्ढे में, तो मतलब आप आराम से गड्ढों से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ स्पीड में चलाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, सस्पेंशन से आपकी कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आएगी, आप स्पीड में भी ख़राब रास्तों पर लेकर के जा सकते हैं, और गड्ढों से आप इतना ज़्यादा आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चला सकते हैं, कोई भी ऐसी धड़धड़ की आवाज़ या सस्पेंशन से आपको आएगी नहीं। सस्पेंशन इस मोटरसाइकिल के शुरू से ही काफ़ी अच्छे आते रहे हैं, और अभी भी काफ़ी अच्छे सस्पेंशन इसमें मोटरसाइकिल में आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों देखो, ड्राइव इंप्रेशंस के मामले में सारी की सारी बातें करी ली है, अब अगर थोड़ा इसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कैनवास ब्लैक कलर है जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, कीमत के मामले में इसकी कीमत भी इतनी ही है जितनी कि बाकी इसके और कलर्स की है। अगर आप इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरियंट की कीमत की बात करोगे तो वो आपको लगभग 77,500 रुपये का पड़ता है एक्स शोरूम दिल्ली, और इसका जो डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है वो लगभग आपको 81,500 रुपये का पड़ जाता है एक्स शोरूम दिल्ली। और अगर आप ऑन रोड कीमत की बात करोगे तो इसका जो डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट होगा वो लगभग आपको 94,000-95,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। और कलर ऑप्शंस के मामले में देखो, ये कैनवास ब्लैक वाला तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दिया, बाकी इसमें और भी कलर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि रेड हुआ, ब्लू हुआ, ब्लैक हुआ, और ब्लैक ऑरेंज, मतलब कि काफी कलर ऑप्शंस आते हैं। बाकी दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप इस मोटरसाइकिल पर अपने 90-95,000 रुपए लगा देते हैं तो 90-95,000 रुपए लगाने के बाद आपको एक तो काफी अच्छी लुक्स वाली मोटरसाइकिल मिल जाएगी, जिसकी सीट काफी कंफर्टेबल है और स्पेशियस भी है, आपके लिए मोटरसाइकिल काफी कंफर्टेबल रहने वाली है, सस्पेंशन के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं
नहीं आने वाली है। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जब आप अपनी मोटरसाइकिल को भगाने के मामले में एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बाकी उसके अलावा मोटरसाइकिल आपको अच्छा माइलेज देगी, लगभग 60-65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये मोटरसाइकिल आपको दे देगी। अगर आप मोटरसाइकिल को बेचने चलाओगे साल दो साल चलाने के बाद, तो मोटरसाइकिल आपकी काफ़ी आराम से बिक जाएगी, बेचने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छी कीमत पर आपकी मोटरसाइकिल बिक जाएगी। और जब तक आप इस मोटरसाइकिल को अपने पास रखोगे आपको मेंटेनेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी मर्जी है, अगर आपको सर्विस सेंटर पर काम कराना है आप वहाँ भी करा सकते हैं। सर्विस सेंटर के बाहर अगर आप किसी लोकल मिस्त्री से काम कराते तो फिर भी इसके जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बस अपनी मोटरसाइकिल की चेसिस और इंजन लेकर के जाना है। इसके अलावा जो भी इसके पार्ट है, जैसे कि सीट हुआ, इसका फ्यूल टैंक, साइड पैनल, छोटे मोटे पार्ट, इसका वाइजर, इसका मीटर, इसके ये कंट्रोल्स, कुछ भी आपको बदलवाना है तो काफ़ी आराम से, मतलब कि जो लोकल शॉप्स होती है वहाँ पर भी इसका ओरिजिनल सामान आराम से मिल जाता है। तो मतलब कि ये इसकी कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपके क्या विचार है, आपको मोटरसाइकिल कैसी लग रही है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।